कई बार कुछ ना एफर्ट करना भी सबसे बड़ा एफर्ट होता है। बहुत पुराने समय में एक राजा हुए। राजा एक दिन फिर से जब उसी जंगल में जाने की तैयारी कर रहे थे तो संदेश तो इसने बहुत गड़बड़ दिया है। अगर मैं सारे के सारे पक्षी मड़ासन में पहुंच करके सीधे नीचे गिरने लगते हैं, तो बताया तो वो मर गए, मैं इसे बता दिया तो ये मर गया, मैंने ये क्या गलती कर ली। लेकिन कितना हो भी बड़ी समस्या हो, अगर आप ठीक ढंग से अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं। शायद इंसानों के संबंध में हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। एक कहानी है जिसको बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ठीक से सुने और आप देखेंगे कि पक्षियों की समझदारी से अगर इंसान अपने जीवन में उन चीज़ों को ले आए तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से निकल सकता है। बहुत पुराने समय में एक राजा हुए, बहुत प्रतापी राजा थे। वो एक बार जंगल गए और जंगल गए तो वहाँ पर एक बहुत बड़े वृक्ष के पास उन्हें एक तोता मिला। उन्होंने उस तोते को पकड़ लिया, पकड़ करके राजा अपने महल में ले आए। राजा को उस तोते से बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, बड़ा लगाव था। उसने उसके लिए सोने का पिंजरा तैयार करवाया, उसमें हीरे जवाहरात और मोतियाँ अंकित करवाए बखूबी सुंदर से। उसके खाने पीने की बेहतर व्यवस्था, सोने के बर्तनों में उसके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी। वो तोते ने अपने जीवन में शायद कभी इसके बारे में कभी कल्पना नहीं किया हो। समय बीते क्योंकि राजा का उस तोते के प्रति बहुत गहरा लगाव हो चुका था। राजा उस तोते को सिखाने पढ़ाने के लिए तरह तरह के विद्वान को भी दरबार में बुलवाए ताकि उस तोते को इंसानी भाषा सिखाया जा सके। बकायदे उस तोते ने कुछ ही समय में इंसानों की भाषा को ठीक ढंग से सीख भी लिया। राजा एक दिन फिर से जब उसी जंगल में जाने की तैयारी कर रहे थे तो उस तोते से कहते हैं कि पता है मैं आज फिर से शिकार करने के लिए निकल रहा हूँ, तुम्हारे सजाती, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मित्र जो वहाँ रहते हैं, तुम उन्हें अगर कोई संदेश देना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं उन तक तुम्हारा संदेश पहुँचा दूंगा। लेकिन राजा को पता नहीं था कि वो तोते से जो कह रहे हैं और तोते का जवाब उसके प्रति क्या होगा। तोते ने कहा कि महाराज ऐसा कोई संदेश तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो सुनिए, मैं बता ही देता हूँ। मेरे मित्रों से कहना कि राजा का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, बड़ा प्रेम है, राजा मुझसे बहुत प्यार करता है। राजा ने मेरे लिए सोने की पिंजड़े को बना रखा है, सोने के बर्तनों में खाने को मिलता है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं महलों में रहता हूँ, हर तरह की शिक्षा भी मुझे मिलती है, लेकिन किसी भी हालत में स्वतंत्रता का मोल नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता को बेचा नहीं जा सकता। आज मैं इस पिंजड़े में हूँ, इसका मोल स्वतंत्रता की तुलना में अगर देखा जाए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, सतर्क रहना, स्वतंत्रता किसी भी हाल में बेची नहीं जा सकती है। ये बात जब तोते ने राजा को बताया तो राजा बड़ा चिंतित हुआ, कहा कि बात तो संदेश तो इसने बहुत गड़बड़ दिया है, अगर मैं ये जा करके उनको बताऊंगा और मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि कुल मिला जुला करके ये मेरे बारे में कहीं ना कहीं मेरा खुद का अपमान है इसमें। लेकिन फिर भी राजा ने उसको वचन दिया था, तो राजा वन चले जाते हैं और जा करके उस वृक्ष के पास खड़े होते हैं। और उसकी सजाती तोते जब शाम को पहुंचते हैं वृक्ष पर तो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे मित्रों का संदेश लेकर के आया हूँ। उसने कहा कि वो बहुत सुख में है, बहुत समृद्धि की तरह से फल फूल रहा है, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है उसको, लेकिन उसने कहा है कि स्वतंत्रता इतना मूल्यवान है कि कभी भी उसकी कीमत में किसी भी राजा का चाहे स्नेह हो, राजा का लगाव हो, या सोने का भले ही क्यों ना पिंजरा हो, लेकिन स्वतंत्रता बेची नहीं जा सकती है, इसलिए तुम लोग सजग रहना। राजा ये संदेश जैसे ही उस वृक्ष पर बैठे हुए उन पक्षियों को देता है, सारे के सारे पक्षी मड़ासन में पहुंच करके सीधे नीचे गिरने लगते हैं। राजा हैरान हो जाता है क्योंकि सारे के सारे पक्षी मर जाते हैं, सब नीचे गिर जाते हैं। राजा बहुत चिंतित होता है, वो कहता है कि ये कैसा गड़बड़ संदेश दे दिया इसने, ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि ये सभी के सभी मर गए। राजा बिना शिकार किए घर पहुंचता है और आकर के उस पिंजड़े के सामने खड़ा होता है, उस तोते के सामने, और कहता है तुमने ये कैसा मैसेज दिया, कैसा संदेश दिया, सभी के सभी पक्षी मर गए, मैंने जैसे तुम्हारी बात बताया तुमने ये क्या वाहियात बातें बताई मुझे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। राजा की ये बात उस तोते ने सुना कि वहां पर क्या हुआ, और वो तोता तड़फड़ाया और वो भी मर गया पिंजड़े में। राजा कहा कि क्या हो गया, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं, उनको बताया तो वो मर गए, मैं इसे बता दिया तो ये मर गया, मैंने ये क्या गलती कर ली। लेकिन राजा का उस तोते के प्रति इतना लगाव था, राजा ने उसको सही तरीके से सोचा, उसकी विदाई कराया, अंतिम विदाई।
राजा उसके लिए पिंजरे से निकलवाते हैं, मखमल के कपड़ों में उसको खूब अच्छे से रखवाते हैं, बढ़िया से उसको। ये होता है कि अब अंतिम विदाई है, द्वार पे सभी लोगों को इकट्ठा होते हैं, सब लोग उसके लिए शोक संदेश पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तब तक तोता उड़ करके जस्ट बगल वाले वृक्ष पर जाकर के चढ़ जाता है, और उड़ करके जैसे चढ़ता तोता, राजन हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या माजरा है, क्या बात है, तुझको बताया वो मर गए, तुमने यहां पर तुमको बताया तो तुम मर गए थे, अभी तुम जिंदा हो गए, क्या हुआ है ऐसा, और ये संदेश क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस तोते ने कहा, राजन मेरे मित्रों ने मुझे मुक्त होने का संदेश दिया था, बोले थे कि कुछ मत करो, कोई प्रयास मत करो, बस मर जाओ, मड़ासन में हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ ना करना ही सबसे बड़ा करना होता है, और वो मरने का जो नाटक किया, राजा उसको मुक्त कर दिया, और फिर उसने अपने मित्रों से जो सीख ली थी उस तोते ने वो राजन को सिखाया कि कई बार कुछ ना करना भी मुक्त होने का सबसे बड़ा साधन है। तो आप लोग भी, जरूरी नहीं है कि हर बार बहुत बड़ा एफर्ट किया जाए, कई बार कुछ ना एफर्ट करना भी सबसे बड़ा एफर्ट होता है। तो ठीक है, आप लोगों को ये कहानी से अगर कुछ सीख मिली हो तो बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।